की एनर्जी खत्म हो जाती है, वहीं बैठे देखे। आजर भाई आ जाओ यार, बॉलिंग कर लो, आइए बॉलिंग का आज आपका मूड है शदीद करने का, आइए आइए। खवातीन के लिए बॉलिंग करते हैं बस। आसिम आपने विकेट तैयार कर ली है, आपने हर सवाल का जवाब देना है, आप चेक कर लें और इनको एक प्रैक्टिस बॉल भी करा दें। थोड़े से क्रैक्स हैं, बॉल थोड़ा पड़ के बाहर की तरफ निकल जाता है, थोड़ा आराम से खेलिएगा। अच्छा, हर सवाल का जवाब आपने देना है, कोई भी पास नहीं करना है। हाँ जी। ओके सर, सर रेडी आप? एक बॉल पहले फेंक के आप चेक करवा सकते हैं, चेक कर लें कि क्या सूरत हाल है। ओह वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके ना, पहला सवाल करने जा रहे हैं, किसके लिए प्लेबैक सिंगिंग करनी पड़ी तो फ्री में भी कर देंगे, शाहरुख खान, फहद मुस्तफा या बिना पैसों के मैं गाना ही नहीं गाता? फहद मुस्तफा। क्या बात है, ये बड़ा ट्रिकी सवाल था वैसे, मुझे 100% शाहरुख पे था मामला, लेकिन इज्जत रख ली है लड़के ने। क्या बात चल रहे हैं यार, क्या बात है। पाकिस्तान का बेहतरीन सिंगर कौन है, पाकिस्तान का बेहतरीन सिंगर कौन है, सजाद अली, आतिफ असलम या फिर राहत फतेह अली खान? स्किल्स वाइज सजाद अली साहब। सजाद भाई क्या बात है भाई, तालियां होनी चाहिए। इनमें से कौन सा सिंगर है जिसको एक्टिंग नहीं करनी चाहिए? अब जवाब देना है आसिम अजहर। आसिम अजहर। अरे नहीं भाई, आप ऑप्शन में नहीं हो, आप ऑप्शन में ही नहीं है। अली जफर, फरहान सईद या फिर जुनेद खान? मैं जुनेद खान को कॉल बैंड में बहुत मिस करता हूँ, तो आई थिंक जुनेद भाई शुड रिटर्न टू म्यूजिक। जुनेद खान, जस्टिफाई नहीं करो। आपको एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए जुनेद खान। देखा, ऐसे आती है। एक बॉल हारिस रऊफ से करवा दिया। ऐसे आती है। अच्छा भाई, अगला सवाल है, अपनी अगली म्यूजिक वीडियो में किसको कास्ट करूंगा, सायरा यूसुफ, हानिया आमिर या फिर सजल? सायरा यूसुफ। सायरा यूसुफ, क्या बात है। ठीक है, सिंगर बनने का सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है? फीमेल फैंस, फेम और मनी या फिर फ्री ट्रिप्स टू फॉरेन कंट्रीज? फ्री ट्रिप्स टू फॉरेन कंट्रीज। फ्री ट्रिप्स टू फॉरेन कंट्रीज। लड़का घूमने फिरने का शौकीन है। म्यूजिक छोड़ दूंगा, म्यूजिक छोड़ दूंगा, लेकिन इस सिंगर के साथ कोलैबोरेट नहीं करूंगा, ताहिर शाह, मतीरा या फिर चाहत फतेह अली खान? ताहिर शाह। ताहिर शाह के साथ कोलैबोरेट नहीं करूंगा। वो कर ही नहीं रहे, वो अब कर ही नहीं रहे, किधर चलेंगे? उन्होंने आखिरी गाना किया था, उसका क्या नाम था? आई टू आई था? नहीं, एंजल। एंजल, एंजल, एंजल के बाद उनको एंजल्स ढूंढ रहे हैं, उनको एंजल्स ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे हिसाब से इनमें से सबसे बेहतरीन म्यूजिक कंपोजर कौन है, साहिर अली बग्गा, शुजा हैदर या फिर शानी अरशद? म्यूजिक कंपोजर शुजा हैदर। शुजा हैदर, ताली होनी चाहिए भाई शुजा हैदर के लिए। इसके साथ गाने पे कोलैबोरेट करके बहुत बड़ी गलती की थी, हैं? जवाब देना है, ट्रिकी है। आई एम अबेग, मोमना मुस्तैसम या फिर शैगिल? यार बताइए बताइए। अच्छा जवाब आ गया है इसके जहन में, लेकिन दे नहीं रहा। थोड़ा सा चेहरे पे भी आ गया है। चेहरे पे भी आ गया है। नहीं, आयमा। आयमा के साथ गलती हो गई भाई। नहीं नहीं, गलती आयमा को पता है, वो बुरा नहीं मानेगी, इसलिए उसका नाम। अच्छा, इसलिए बोल दिया क्योंकि आयमा से दोस्ती है। अच्छी बात है, आयमा आएगी तो हम उससे पूछेंगे। ओए होए होए, बात कर रहा था। क्या बात है, क्या बात है, बात है। एक आंख से इतना बड़ा कैच पकड़ा भाई। किससे सबसे ज्यादा डर लगता है आपको, ट्रोलिंग से, गाने पे कॉपी का ठप्पा लगने से या फिर मीरब के गुस्से से? सारी को गाने पे कॉपी का ठप्पा लगने, गाने पे कॉपी का ठप्पा लगने से। वेरी गुड भाई, मेरे खिलाफ सबसे बड़ी अफवाह ये है कि मैं आवाज को, अरे लड़का अच्छा, बैटिंग पूरी कर रहा है, और से सुनना, ऐसे काम नहीं करना। अच्छा, मेरे खिलाफ सबसे बड़ी अफवाह ये है कि मैं आवाज को ऑटो ट्यून करता हूँ, मेरे बचपन में मंगनी हुई थी या फिर मैं गुस्से का बहुत तेज हूँ? नहीं, ऑटो ट्यून हर कोई यूज करता है, बचपन में मंगनी वाली बात गलत है। गलत है ना, ऑटो ट्यून वाली मशहूर है। ठीक है, अच्छी बात है, वो सब यूज़ करते हैं, वो सब यूज़ करते हैं। इस म्यूजिक बैंड के टूटने पर मुझे बहुत अफसोस हुआ था, स्ट्रिंग्स, जुनून या फिर जल? स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स के टूटने पर बहुत ज्यादा, वेरी गुड। इसमें से किसको सिंगिंग नहीं करनी चाहिए, अदील चौधरी, हीरा मानी या फिर दानियाल जफर? पहला कौन था? अदील चौधरी, हीरा मानी या फिर दानियाल जफर? अदील चौधरी। अदील चौधरी को सिंगिंग नहीं करनी चाहिए। सिंगर नहीं होते तो मशहूर होने के लिए क्या करते, टिकटॉकर बनते, यूट्यूबर बनते या फिर मैं मशहूर ही नहीं होता? मैं मशहूर ही नहीं होता। मैं मशहूर ही, टिकटॉकर नहीं बनते, मैनेजर होता। मैनेजर होता, किसका मैनेजर होता? किसी आर्टिस्ट का। ओ अच्छी बात है। इंडस्ट्री में कौन है जो तुम्हारे काम लेकर उड़ जाता? शुरू हो गया लड़का, यार लड़का कितना शो ऑफ है। अच्छा भाई, इनमें से कौन है जो तुम्हारे काम लेकर उड़ जाता है,
आई एम अ बिग यंगस्टर्स या फिर अली जफर, कोई नहीं उड़ पाता, कोई भी नहीं उड़ पाता, ये लड़का खुद ही उड़ रहा है भाई सबके काम लेके। मेरा मानना ये है कि जिसका नसीब है और जिसको जो चाहिए वो उसको ले लेता है। Absolutely, अच्छी बात है। इनमें से किसको पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कैप्टन होना चाहिए, रिजवान, शादाब या फिर शान? शादाब। शादाब, रीजन बीइंग, क्यों ऐसा, क्यों? हाँ, क्यों ऐसा? मतलब इस्लामाबाद में उसकी लीडरशिप देख लें आप, and I think he's an all-round performer. और इसके अंदर there's this leadership quality. I would love to see him as captain. क्या बात है भाई? किसके लिए प्लेबैक सिंगिंग करनी पड़ी तो थोड़ा सा सोचूंगा, अली जफर, फवाद खान या फिर गौहर रशीद? गौहर रशीद के बारे में सोचूंगा। हाँ, क्योंकि अली जफर और फवाद खान मतलब इतने अच्छी बात है, उनके लिए तो करना, उनके लिए तो मैं करूंगा। बहुत अच्छा खेले भाई, तालियां होनी चाहिए। बहुत सारे रन बना लिए भाई, वाह वाह वाह। आई आसिफ।